अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और जी, हमारी गले में बहुत ज़्यादा पानी मचा हुआ है। काइंडली पानी की कदर कर लो पाकिस्तानियों, ख़त्म हो जाने। खैर, आज जी बड़े अरसे बाद एक व्लॉग, पता नहीं आ रहे नहीं आ रहा, वो एडिटिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन खैर, हम बड़े अरसे बाद दोस्तों के साथ थोड़ी गेट टुगेदर कर रहे हैं। और आज जी मैं अपनी गड्डी को नहीं हिलाऊंगा। आज हमारे मोमिन साहब लाएंगे अपनी गड्डी, गाड़ी मतलब के, बाकी फिर कहोगे जी के पंजाबी में ही लगा हुआ है। खैर, जो बात ये है कि हम कुछ गेट टुगेदर करेंगे, आप लोगों को भी अपने दोस्तों से मिलाए हुए, कोई बड़ा ही अरसा हो गया था। खैर, मेरे व्लॉग भी बड़े ही अरसे बाद आते रहते हैं, महीना महीना बाद। तो काफ़ी लोग मुझे कहते हैं आप डेली व्लॉग शुरू करें। एक हैं, उनका भी कमेंट नीचे आएगा, मुझे अभी फ़िलहाल नाम भूल गया, सॉरी। लेकिन आपकी बात याद रह गई है कि आप डेली व्लॉग बनाएं। एक ही व्यू दिए जा रहा हूँ, तो अभी अभी ले लें। तो अभी आएंगे, फिर हम जाते हैं, देखो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो जी, हम लोग जा रहे हैं अब साथ को चुकने। और सबसे पहले तो इस भाई साहब को मुबारक दें, मेरे फैंस, इसके फैंस जो हैं। और भाई साहब ने गाड़ी ले ली, ले बहुत पहले ली थी लेकिन अब इसको मिल गई है। और अब हमारी ये, हम खैर ज़्यादा इसे तंग नहीं करते, पेट्रोल बड़ा महंगा है भाई साहब ने, महंगा हुआ है ना पेट्रोल, और गाड़ी उठा ली है। और अब इसे पता चल रहा है जब जेब से गर्म गर्म नोट निकलते हैं और ऐसे पिघल रहे होते हैं इतनी आसानी से कि मज़ा आ जाता है। खैर, अभी हम साथ के पीछे जा रहे हैं, रिंग रोड पे चल रहे हैं। और मेरी ड्राइवरी से छुट्टी हो चुकी है फ़िलहाल, पता नहीं कब तक। तो अभी भाई साहब ड्राइविंग कर रहे हैं और हम जा रहे हैं। तो भाई लोग, अभी गाड़ी को खाना खिलाया जा रहा है, फिर हम खाएंगे। मैंने अभी बात की थी कि जेब को ज़रा ढीला करना पड़ता है और जेब ढीली की जा रही है यहाँ। हम ये देखें पेट्रोल भरवा के फिर आगे चलेंगे। भाई लोग, सीएनजी नहीं है, पेट्रोल की टंकियां भरवा लो, सीएनजी हटवा लो। आपको पता है कि हम लोग भी में जा रहे हैं। हमें इस में ये सुन ले, कोई गाड़ी वाड़ी है, कुछ है चुक ले, हम जाएंगे रिक्शे पे या टैक्सी पे, बीआरटी पे आना पड़ रहा है। अच्छा बेटा, मैंने असल में वॉइस मैसेज किया था कि गाड़ी माड़ी हो तो बंदोबस्त कर, रिक्शे में जाएंगे। आपको सर्दी लग रही है, कुछ पहन है यार? नहीं भाई, हम वफादार लोग हैं, हमारे जिस्म गर्म होता है। बाय द वे, आप फैंस बड़े अरसे बाद मिल रहे हैं, इसके फैंस, मेरा तो कोई है नहीं, इसका तो बन चुका है। और ये मेरा शीशा इसलिए समझे होते हैं हमेशा मेरे भैया को। ये क्या चीज है, मक्खी है ये जानी, ये क्या तू कबाब में मक्खी ले आए? एसी में मक्खी ले आए? खैर, मक्खी बगैया जा रही है यहाँ पे। अदा ने गाड़ी ली है, चल भाई हम चलते हैं। यार कहाँ लेके जा रहे हो आप? हम कहाँ लेके जा रहे हो? कौन किधर लेकर जा रहे हो मोमिन? चलो मैं शूज मूज चेंज करके आऊँ कि नहीं? चल ठीक है, जा जा। इतने अच्छे भले शूज पहने हैं फिर भी जा रहे हो? वो देख, अच्छे तो हैं शूज। ये है ना, ये मैं 3 साल पहले मरी लेकर गया था, पर ये मैंने, ये दोस्त जो भी गुजरा ना, इसने उसकी आया ली हुई है।
चल ठीक है, कपड़े मपड़े ऐसे नहीं है, बिल्कुल इसी तरह बस मैंने पहने अलमारी से निकाल कर। तूने कहा था मैं नहाने जा रहा हूँ। नहा चुका हूँ बेटा, क्यों शक्ल से लग रहा है? नहाने में बहुत तेज है ये। क्यों शक्ल से लग रहा नहीं है कि नहाया हूँ? ये देखिए आप लोग मेरा ट्राइसेप चेक कर सकते हैं, बाइसेप भी आप लोगों को दिखा देता हूं। है यार थोड़े बहुत है, हमारे से तो अच्छे हैं, चर्बी से भरे हुए ट्राइसेप, कट्स चर्बी में नहीं आते। बस हम अपने कजन की शादी में थोड़ा फैट लग रहा था। कौन? तू? उसकी आया ले। चल बस बंद कर, जरा पीना। समझ की शादी पे पैसे पूरे हो गए। जल्दी आ। लोग इन लोगों ने हम पे चेकिंग बैलेंस रखा हुआ है, अपनी गाड़ी में इसने ये लगाया हुआ कैमरा ताकि हमारी अच्छी और बेकार बातें सब सुन ले। रिकॉर्डिंग हो रही, कैमरे की नजर आप पर है। क्यों यार, मतलब हम तो बेशुमार गालियां देते हैं जो बीप हो जाती है। जलूस आ गया है, मौलाने का जलूस आ गया। नहीं ये ठीक है, सुर सलाम। आप लोग किसके साथ हो भाई पीटीआई के अलावा? आप लोगों को कोई और सूझ रहा है वोट देने के लिए? अरे ये जो साथ साहब गए हैं ना अभी कपड़े वगैरह कुछ करने, इसको मैंने बरसों पहले कहा था कि तैयार हो जाओ, तैयार नहीं हुआ है। ये होते हैं दोस्त, हम पे प्रेशर मार के जल्दी आओ और खुद का यही हाल होता है। मेरा रिश्ता बना सोने ही। बस अब हमने ड्राइवर को गाड़ी दे दी, हम तो सेठ तो पीछे बैठते ना, टांग पे टांग। सेठ साहब पीछे बैठ चुके हैं। नहीं हमारा वो है गार्ड है। यस यस, आपकी गन किधर है? जोनी आपको मैं गन बताऊंगा। जी जी समझ गए, समझ रहे हो ना। अच्छा जी, ड्राइवर साहब आ चुके हैं, तैयार ही नहीं हो रहे थे, पता नहीं कितनी बड़ी दुल्हन है हमारे। अच्छा कपड़े चेंज करने तू गया था, क्या चेंज हुआ उसमें? जूते पैंट तो पहनी थी भाई, नहीं ना पैंट तो साफ पहनी थी अभी मैंने, कि इससे नहीं की बस। अच्छा चलो भाई लोग चलते हैं अब। भाई लोग हम लोग आ चुके हैं अमीर जगह, आ रहा हूँ। अच्छा जी तो सबर यार इनकी सुन लूँ। तो आपसे मिलना चाह रहे थे। किससे मिलना चाहते थे? आप लोगों से। अपने बाल चेक करने। एक तो मेरा कैमरा नहीं शीशा है ना तेरा। अच्छा जी लड़कियों, बड़ा आप लोगों को मेकअप का शौक है, हमें धोखा देते हो ना, तो आप लोगों के लिए कुछ हमने फ्री रखा हुआ है। ये आपको थोड़े दिखाते हैं पीछे, ये देखो, ये पीछे दिख रहा है, फ्री हेयर कट विद फेशियल, विद वाइटनिंग फेशियल। लड़कियों आज जो पेशावर में ये जी है आर्मी कोर्ट है, फूड कोर्ट, तो वहाँ है फ्री हेयर कट, आ जाओ कर लो ये, सही है ना। अब बुला रहे हैं वो लोग, जा रहा हूँ मैं, सर्दी अब शुरू हो गई है पेशावर में। आप लोगों के वहाँ कैसी है? बंद करते हैं व्लॉग, बस है। साधा चला झूला लेने, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा। और आज अगर इसे ना छोड़ा, साइज बड़ा हुआ है, बंदा नहीं बड़ा हुआ। चलो भाई तू जा अकेला झूल के आ जा। चलो भाई खर्चे कर रहे भाई। सबसे पहले झूला झुलवाने ले आया ये। तो साथ में ले लिया टिकट और ये खैर से हम हमें इसमें झुलवाने जा रहे हैं। एक दफा बस वन झूला, लेकिन थोड़ा सा एडवेंचर करेगा ना।
इसके अंदर है, इसके अंदर थोड़ा सा वो है। बस अड्डा चल रहा है। चलो भाई, ये भाई साहब की तबीयत खराब होती है, मैं और ये जा रहे हैं। हो सकता है दिल का कमजोर हो। चलो भाई, हाय हाय, नहीं इसमें जाना है। अच्छा जी, बैठ चुके, आगे देखते हैं क्या हालत है। अच्छा जी, शुरू हो चुके हैं। जो रह गई थी वो सादा अब अकेला कर रहे थे। वो बैठा हुआ है, अब अपना तीसरा टिकट पूरा करने गए। हमारा तो हमारे लिए ही काफी था। उस दीवाने का इंतजार कर रहे हैं, अब वो अकेला है। कुछ ज्यादा बड़ा कीड़ा है, बहुत बड़ा कीड़ा है। इतना जल्दी ना ना, नेवर। अब उससे अकेला बैठा भी नहीं जा रहा, हमें कह रहा है एक टिकट लो, आ जाओ। फिर अब इसका टिकट भी वो इंजॉय करने गया हुआ है। हमें दावतें दे रहे हैं, हमारे लिए एक ही काफ़ी है भाई। और इस बेचारे का पता नहीं कैसे डर बैठ गया है। बस निकालेंगे एक दिन, वो भी निकालेंगे। कैसा रहा एक्सपीरियंस सर जी? जो एक्सपीरियंस दो दो दफा बस कर दे बस। फिर तीसरा चक्कर मारने जा रहे हैं यार। ये सादा ना कुछ भी है, मतलब कुछ भी सादे। पहुंची है जी तीसरा चक्कर, मतलब यार हद है। क्या है यार, ये अजीब बीस पकड़ा हुआ है वाला कसम। खतरनाक कीड़ा है, बहुत खतरनाक कीड़ा है। इसको इसने कहा था बड़ा कीड़ा है, ये इतना बड़ा है वाला काबू में नहीं है। आ गया यार, ये चढ़ गई है इसको। जगह पे नहीं है, इधर उधर हिल रहा है सारा। अच्छा मेरा दोस्त आ गया, बस यही काफी हमारे लिए। चलो यार आ गया, भूख लगी है वाला। चिकन हड्डी कर दे और एक ये कर दे, पूरा काबली ब्लॉग कर दे। हाँ सही है, इस तरह लग रहा है धुंध में बैठे हैं पीछे। प्लास्टिक है यार शादी। सही है, करना ऑर्डर अभी। क्या मजा जॉनी कुत्ते के बच्चे बोलो। क्या सही है, चिकन हड्डी एक एक चिकन हड्डी कर दे जॉनी। सही है, एक वो कर दे, काबली ब्लॉग कर दे और नानी इसके साथ। हमारा खाना पीना तो हो चुका है और बड़ा मज़ा आया। ऐसे ही बस दिल चाह रहे थे थोड़ा सा
कुछ करने का, कुछ कहीं जाके स्पेशल जगह पे जाके कुछ खाने का, बस ऐसे ही दिल चाह रहा था। सो हम चले आए यहाँ पे। बाकी आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा, उम्मीद है पसंद आया होगा। और अगर मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो जो फ्री हेयर कट है ना, वो फ्री हेयर कट यहाँ होता है, यहाँ पे। सो पता नहीं क्या करके नाम है, बेलेजा ब्यूटी क्लिनिक यहाँ पर होता है। लाइक कर दो आप लोगों के लिए, मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन लाई है। फ्री हेयर कट कहीं मिलते हैं कहीं पे? लड़कियों का तो सारा सामान ही इतना महंगा होता है, 1000 रुपये का तो छोटा सा काम करके आती हैं। तो यहाँ आ जाओ, कर लो महदूद मुद्दत के लिए। तो बस अभी चलते हैं। उम्मीद है आज आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जो करते हो करो, दबोच लो सब्सक्राइब को, बहुत ज़रूरत है। ले आ तू, और ज्यादा ले आ।